हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो आज का लेक्चर है डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी के कॉरस्पॉन्डिंग। सो आज हम बात करेंगे टू डायमेंशनल केस एज वेल एज डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी, दोनों को साइड बाय साइड ही लेके चलेंगे। वन डायमेंशनल केसेस फॉर दी कॉरस्पॉन्डिंग नॉन डिजेनरेट स्टेट्स, वो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो नॉन डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी कॉरस्पॉन्डिंग टू वन डायमेंशनल केस, वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं बेटा। तो उसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर्स वगैरह देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम टू डायमेंशनल केस और डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी, उसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन है, कंसिडर टू डायमेंशनल इनफाइनाइट स्केयर वेल, हमारे पास दे रखा हुआ है पोटेंशियल, दे रखा हुआ है उसकी बाउंड्रीज दे रखी हुई है, एंड उसका नॉर्मलाइज आइगन फंक्शन दे रखा हुआ है। एंड अगर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, उसमें परटर्बेशन लगाते हैं एच प्राइम की, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी करेक्शन टू दी एनर्जी ऑफ दी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कितनी आएगी, वो हमारे सामने क्वेश्चन है। सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज दी करेक्शन टू दी एनर्जी ऑफ दी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर ए स्केयर वेल पोटेंशियल विच इज टू डायमेंशनल। ठीक है जी, इनफाइनाइट स्केयर वेल। सो पार्टिकुलरली टू डायमेंशनल बॉक्स की हम बात करते हैं, तो पार्टिकुलरली टू डायमेंशनल बॉक्स की बात करेंगे तो वहां पे आपको बेसिक हैमिल्टोनियन पहले ही पता होना चाहिए। जैसे हमें पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप किसी परटर्ब सिस्टम का हैमिल्टोनियन फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे या उसकी एनर्जी आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, यू शुड नो ऑलरेडी अबाउट द एग्जैक्ट सिस्टम। तो जिसको आप एग्जैक्टली सॉल्वेबल सॉल्व कर सको, उसके एनर्जी आइगन वैल्यूज या वेव फंक्शन आपको पहले ही पता होने चाहिए। तो ये चीज हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये वाला एच नॉट वाला पार्ट हमें पता होना चाहिए, तो उसको हम पहले ही लिख लेते हैं। तो कई बार दिया होता है आपको एग्जाम क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे दे रखा हुआ था, लेकिन मोस्ट लाइकली कई बार नहीं भी दिया होता। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टिकुलर टू डी बॉक्स है, तो एच नॉट जो है, जिसके जो ऑपरेटर है या हैमिल्टोनियन है, उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं पी स्केयर डिवाइडेड बाय 2m प्लस हाफ एम ओमेगा स्केयर एक्स स्केयर, जैसे हमने वन डायमेंशन में लिखा था, यहाँ पे उसकी एक्सटेंशन होगी टू डायमेंशनल केसेस के लिए, ज्यादा कोई फर्क नहीं रहेगा। एनर्जी आइगन वैल्यूज भी सिमिलर से ही होंगी, यहाँ पे एच बार में लिखा हुआ है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने एच से लिखा हुआ था, बाकी कोई भी चेंज नहीं है। तो एच बार हमारे पास क्या होता है, एच डिवाइडेड बाय 2π के बराबर होता है, बाकी सारा सेम आएगा। डिफरेंस कहाँ पे आ जाएगा, अगर जो बॉक्स है उसकी जो लेंथ है फॉर द एक्स 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 स्केल एंड वाई स्केल अलग अलग आती है, तो दोनों में फर्क आ जाएगा। अगर दोनों, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास जो लेंथ दे रखी है फॉर द केस ऑफ एक्स लाइंग बिटवीन 0 to a एंड वाई इज ऑल्सो लाइंग बिटवीन 0 to a, मतलब उसकी जो बाउंड्रीज है, एल ऑफ एक्स भी ए के बराबर है एंड एल ऑफ वाई भी ए के बराबर है, तो ये सिंप्लीफाई हो जाता है। तो ये काफी सिंप्लीफाइड पिक्चर हमें दिखाई गई है जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व करना है। तो उसके लिए वेव फंक्शन भी कैसा रहेगा, वेव फंक्शन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम टू डायमेंशनल स्केयर वेल पोटेंशियल की बात करें, तो उसके लिए आपके पास वेव फंक्शन रहेगा 2 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट ऑफ LxLy इनटू साइन ऑफ nπx डिवाइडेड बाय L इनटू साइन ऑफ nπy डिवाइडेड बाय L। तो डिपेंडिंग ऑन आपके पास एक्सिस की लेंथ जो है सेम है कि नहीं है, वो आपके वेव फंक्शन को इफेक्ट करेगी। ठीक है जी, तो ये आपको रिमेम्बर रखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ, तो जो स्टार से मार्क किया होता है वो आपको रिमेम्बर रखना ही पड़ता है बेटा। ठीक है जी, तो ये तीन ही चीजें आपको रिमेम्बर रखनी पड़ेगी अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। फॉर दी प्रेजेंट केस मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आपके पास जो स्केयर वेल पोटेंशियल जो आपको दे रखा है, इनफिनिट स्केयर वेल पोटेंशियल, उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो 0 से a के बीच में लाई करती हैं, तो एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एंड एल ऑफ वाई इज इक्वल टू ए के बराबर हो जाता है। तो उसको जो अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे, तो सिंप्लीफाइड पिक्चर में हमारे पास ये चीजें निकल के आती है। लेकिन आपने जो रिमेंबर रखना है वो एग्जैक्ट फॉर्मुलेशन ही रिमेंबर रखना है, बिकॉज अगर एग्जैक्ट फॉर्मुलेशन रिमेंबर रखोगे तो उसको ड्राइव करना आसान है। अगर यहाँ पे आपके ओवर सिंप्लीफाइड पिक्चर नहीं दी होगी, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप विल बी इन ट्रबल, तो उसकी वजह से आपको दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। तो डीजनरेसी कितनी होगी कितनी नहीं होगी, वो डिसाइड करेगी कि आपके बॉक्स की लेंथ सेम है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की तरफ कि नहीं। ठीक है जी, अगर लेंथ अलग होगी तो आपकी डीजनरेसी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, वो हम आने वाले टाइम में भी देखेंगे। तो जिस जो सिंप्लीफाइड पिक्चर हमें क्वेश्चन में दिखा रखी है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम बात करते हैं। तो एनर्जी स्पेक्ट्रम कैसे आ जाएगा बेटा,
एनर्जी स्पेक्ट्रम फॉर द केस ऑफ ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो आएगी, जैसे हमें पता होता है कि अगर पार्टिकल इन ए बॉक्स प्रॉब्लम है तो उसके लिए जो लोएस्ट स्टेट आएगी दैट विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन इज इक्वल टू वन। तो अब हमारे पास क्या है, एन ऑफ एक्स भी वन होगा और एन ऑफ वाई भी वन होगा, तो उसके लिए अब ग्राउंड स्टेट ही बनेगी। तो ग्राउंड स्टेट विल बी ई वन वन हेयर एंड उसकी जो जो स्टेट बनेगी दैट विल बी अ सिंगल नॉन डिजनरेट स्टेट, बिकॉज एनर्जी इस एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही वेव फंक्शन हम ड्राइव कर सकेंगे। यू विल नॉट बी हैविंग मल्टीपल वेव फंक्शंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए सिंगल एनर्जी। तो ई के ग्राउंड स्टेट के लिए सिर्फ एक ही वेव फंक्शन बनेगा, जैसे आप प्रीवियसली यहाँ पे देख सकते हो। तो एक ही वेव फंक्शन है, ज्यादा कुछ नहीं होगा, एन ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू वन एंड एन ऑफ वाई विल बी इक्वल टू वन। तो पहले कंसेप्ट को ग्रेस्प कर लीजिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए। फॉर द केस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको दो चीजें मैं पहले बता एक चीज पहले बता देता हूँ, दो चीजें यहाँ पे, कि आपके जो बॉक्स की लेंथ है, जो बाय जो टू डायमेंशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो बॉक्स की लेंथ कैसी है, वो एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए है और वाई इज लेस देन और इक्वल टू बी है, कि वो दोनों लेंथ ए इज इक्वल टू बी है भी के नहीं, वो भी डिसाइड करेगी आपकी डिजनरेसी कितनी है कितनी नहीं है। वो ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आ जाता है। तभी बोला था कि आपको जो भी फॉर्मुलेशन रिमेंबर रखेंगे वो एक्चुअल वाला याद रखेंगे, ओवर सिंप्लीफाइड फॉर्मुलेशन आपने ये नहीं याद रखना। तो यहाँ पे हम जो क्वेश्चन है उसके विद रिस्पेक्ट टू ही डील करेंगे, ठीक है जी। तो अगर जहाँ पे डिजनरेसी लिफ्ट हो रही है नहीं हो रही है, वो डिसाइड कौन करेगा, ए इज इक्वल टू बी है या नहीं है। तो हमारे हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू बी वाला फॉर्मुलेशन है, उसको हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे, उसको हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। चलिए, तो हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमने अभी तक पढ़ा है इस क्वेश्चन के कॉरेस्पॉन्डिंग, कि हमारे पास ग्राउंड स्टेट जो है नॉन डेंजरेट है और जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसमें क्या होगा वो हम चेकआउट करते हैं। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आपके आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या बनेगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग आप क्या ढूंढने जाओगे, या तो एन एक्स को टू करोगे या फिर एन वाई को टू करोगे, दोनों में से एक चीज चूज करोगे। तो अगर एन एक्स को टू कर दिया तो एन वाई को वन करना पड़ेगा, बिकॉज स्क्वायर के साथ मल्टी एडिशन है वहां पे, तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर एन वाई को टू कर दिया तो एन एक्स को वन करना पड़ेगा, तो दोनों में से एक ही चॉइस आपको मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या है, इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर का, यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा एनर्जी में। तो ये इसकी वजह से जो फैक्टर है, इसकी वजह से आपको यहाँ पे डिजनरेसी देखने के लिए मिलती है, कि अगर आपके पास कौन कौन से कॉम्बिनेशन, तो दो अलग अलग कॉम्बिनेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास सेम एनर्जी आएगी। ये कॉम्बिनेशन कौन से हो गए बेटा, ये दो अलग अलग वेव फंक्शन को डिनोट करेंगे। इस जैसे मैंने बोला पहले, जो अगर वेव ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन की बात करोगे तो एन एक्स इज इक्वल टू वन हो गया, एन वाई इज इक्वल टू वन हो गया, तो वहां पे आपके पास एक ही वेव फंक्शन बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो डिजनरेसी है हमारे पास देखने के लिए मिलेगी। तो क्यों मिलेगी, बिकॉज एक एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग दो वेव फंक्शन बन जाएंगे, किसी में एन एक्स इज इक्वल टू टू हो जाएगा, एन वाई इज इक्वल टू वन हो जाएगा, दूसरे वेव फंक्शन में क्या हो जाएगा, उसमें एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन हो जाएगा और एन वाई इज इक्वल टू टू हो जाएगा। तो दो वेव फंक्शन होंगे जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास एनर्जी आइगन वैल्यूज आएंगी, ठीक है जी। दो अलग अलग वेव फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग सेम एनर्जी आइगन वैल्यूज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी, तो जिसकी वजह से हमारे पास डीजनरेसी एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि इट इज डबली डीजनरेट, मतलब डबली डीजनरेसी, डबल डीजनरेसी आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है जी, विच इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज डबली डीजनरेट हियर, तो इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो टू सॉल्व ए डिजनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी, अब हमें पता चल गया कि अगर टू डायमेंशनल केस आ जाता है स्क्वायर वेल पोटेंशियल के कॉरेस्पॉन्डिंग, जो हमारे जो हमारा प्रेजेंट क्वेश्चन है, तो वहां पे हम डबली डिजनरेट थ्योरी को डिजनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी इंप्लीमेंट करेंगे। तो कई बार आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि डिजनरेट स्टेट्स के लिए पर्टर्बेशन थ्योरी के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज वगैरह कैलकुलेट कीजिए, कई बार आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग होती है, जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में दे रखा हुआ है, तो आपको आइडेंटिफाई भी करना पड़ सकता है कि ये स्टेट्स डीजनरेट है भी के नहीं। तो एक बार आप गो थ्रू हो गए टॉपिक के, तो उसके बाद आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं फेस करनी नहीं पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 मिनट ही लगेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ग्रैस्प द कंसेप्ट।
टू सॉल्व ए डिजनरेट परटर्बेशन थ्योरी हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो इसको मैट्रिक्स मेथड से यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश किया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास हैमिल्टोनियन जो है उसको हम मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन में लिखते हैं, और उसके साथ उसके आइगन वैक्टर्स और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉपर इक्वेशन जो है उसको हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। एच ऑफ साई इज इक्वल टू ई ऑफ साई, जो मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन है उसको हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पे 2D केस है, तो 2D के केस के कॉरेस्पॉन्डिंग 2x2 की मैट्रिक्स ही बनेगी। तो 2x2 की मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमारा जो पिक्चर है वो थोड़ा सिंप्लीफाइड हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स एलिमेंट है एच ऑफ जे आई, तो उसको हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू की तरह लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, आपके परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन जो है उसको यहाँ पे इंक्लूड करने की जरूरत होगी यहाँ पे। तो जो हमने हमने कहा यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट हमने सिर्फ यहाँ पे मैट्रिक्स एलिमेंट करने होते हैं। तो मैट्रिक्स एलिमेंट के कैलकुलेट करने के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर यहाँ पे पता चल जाता है मैट्रिक्स एलिमेंट, तो उसमें से आइगन वैल्यू निकालने की बड़ी बात नहीं है। अगर हैमिल्टोनियन हमें पता चल गया तो आइगन वैल्यूज कैसे निकालोगे, उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में फीड किया जाएगा, और जो भी चीज गिवन बाय एच माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकालेंगे उसके उसको हमने क्या है इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी आइगन वैल्यू को निकाल के हम उसको यूज करेंगे विच विच बी दी एनर्जी आइगन वैल्यूज। तो फॉर द प्रेजेंट केस जैसे मैंने पहले डिस्कस कर लिया था आपके साथ कि हम इस क्वेश्चन के कॉरेस्पॉन्डिंग ही देख रहे हैं फिलहाल की घड़ी। तो हमारे पास 2 डायमेंशनल केस है, 2 डायमेंशनल केस के कॉरेस्पॉन्डिंग डीजनरेसी जो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, तो डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी हम यहाँ पे लगाएंगे। तो डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी लगाएंगे तो आंसर इसका बी आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। तो सोल्यूशन कैसे होगा, तो अभी हम इसके पास सोल्यूशन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, बाकी सब हम छोड़ देते हैं फिलहाल की घड़ी। तो हम क्या सॉल्व करेंगे, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा जहां से एनर्जी आई के वैल्यू निकालेंगे। तो मैट्रिक्स एलिमेंट हमें यहाँ पे चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग टू हैमिल्टोनियन। तो 2 डायमेंशनल केस है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2x2 का मैट्रिक्स एलिमेंट निकालने की कोशिश करेंगे, उसके मैट्रिक्स एलिमेंट निकालेंगे। तो H11 सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे H12 सॉल्व करना पड़ेगा, H21 एंड H22 का यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये कैसे होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास दो अलग अलग तरह के वेव फंक्शन बनेंगे फॉर ए गिवन एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होगा, एक में हम क्या करेंगे, हमारे पास होगा nx को 1 पुट कर देंगे, ny को 2 पुट कर देंगे, यहाँ पे जैसे आपने लिखा हुआ है। दूसरे केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एन ऑफ एक्स को 2 पुट कर देंगे और एन वाई को 1 पुट कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया। तो एक को हम लिख लेंगे साई वन, दूसरे को लिख लेंगे बेटा साई टू। तब हम इसका मैट्रिक्स एलिमेंट निकालने की कोशिश करेंगे। तो मैट्रिक्स एलिमेंट निकालोगे तो H11 क्या आएगा, इट विल बी द एक्सपेक्टेशन वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू योर परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन। तो देयर यहाँ पे ब्रा है, यहाँ पे क्या उसका ऑपरेटर है, और साथ में इसके कैट आएगी जो उसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। इसको हम इंटेग्रल इक्वेशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्व करते हैं, तो ये आपके लिए ब्रा का कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन हो गया, यहाँ पे आपके पास कैट के कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन हो गया, बीच में आपके पास क्या लिखा हुआ है बेटा, परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन। परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन और कुछ नहीं है, वी नॉट ही है। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, वी नॉट डिवाइडेड बाय 4 आएगा। सारे मैट्रिक्स एलिमेंट आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज इट इज अ सिमेट्रिक केस। सिमेट्रिक केस में हैमिल्टोनियन के जो हमारे पास मैट्रिक्स एलिमेंट आएंगे दोज विल बी सिमिलर। ठीक है जी, तो अब हमने क्या किया, H11 कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, H12 कैलकुलेट करने जाओगे। H12 के कॉरेस्पॉन्डिंग आप उसका वेव फंक्शन लिखोगे, वेव फंक्शन के वैल्यूज वगैरह डालोगे, परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन की वैल्यू डालोगे जो हम पहले भी करते आए हैं, तो उसकी वैल्यूज वगैरह डाल के इसके वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे, दैट इज H12। तो सिमिलरली बाकी सारी चीजें भी सॉल्व कर लोगे, आप देख सकते हो ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, तो आपके सारी जो हैमिल्टोन जो आपका डिटर्मिनेंट आएगा, डिटर्मिनेंट विल बी सिमेट्रिक है, ये आपस में ही कॉरेस्पॉन्ड करेंगे बिकॉज सिमेट्रिक केस है, जो ज्यादा फर्क नहीं होगा। ठीक है जी, तो यहां से अगर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज आप निकालने की कोशिश करोगे, एनर्जी आइगन वैल्यूज वगैरह कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, इट विल टर्न आउट टू बी वी नॉट डिवाइडेड बाय 4, 1 ± 64 डिवाइडेड बाय 9 × π². तो जो आपके पास करेक्शन वैल्यू है, एनर्जी करेक्शन आएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो इसको आप क्या लिखोगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी करेक्शन कितनी आएगी, दैट विल बी वी नॉट डिवाइडेड बाय 4, 1 ± 64 डिवाइडेड बाय 9 π². तो ये हमारी ऑप्शन बेटा बी बनती है। तो जो भी आपका डीजनरेट स्टेट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग डीजनरेसी
कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप परटर्बेशन थ्योरी को सॉल्व करोगे जैसा कोई न्यूमेरिकल आएगा तो वहां पे आपको हैमिल्टोनियन के कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स एलिमेंट निकालने पड़ते हैं। मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन को आप सॉल्व करोगे तो वहां से आपके रिजल्ट निकलेंगे। तो वैसा एक न्यूमेरिकल हम कल भी डिस्कस करेंगे विच विल बी सिंपलर एज कम्पेयर टू दिस वन, बिकॉज वहां पे मैट्रिक्स एलिमेंट्स ही है डायरेक्टली, उन्होंने मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया, तो वहां पे जाकर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 1.5 मिनट लगेगा, यहाँ पे 2 से 3 मिनट लग सकते हैं बिकॉज आपने मैट्रिक्स एलिमेंट वगैरह यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। तो बेसिक इंस्टिंक्ट आपको आपको पता होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए कि आपने डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी आ गई तो कैसे उसको कैसे सॉल्व करना है, अगर नॉन डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी आ गई तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी के आर्टिकल थोड़े से कई बार लेंथी हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो टिल देन थैंक यू वेरी मच, ऐसे न्यूमेरिकल लेके आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।